Hi guys, welcome back to my channel. I am so excited and at the same time I am so nervous to do this क्योंकि it's been more than 6 months. मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया एंड आई डोंट नो बट यू नो सो मैंने अपने फ़ोन से यूट्यूब स्टूडियो डिलीट कर दिया था एंड टुडे मैंने इंस्टॉल किया. आई जस्ट सॉ देयर वर अ फ्यू लाइक रियली गुड कॉमेंट्स, सो आई जस्ट फेल्ट रियली नाइस कि ठीक है, मे बी आई हैव नॉट अचीव वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट टू बट आई एम ऑन द राइट ट्रैक. So yeah, and you know I'm really sorry for not being active, but now I have the time and I really want to do this. So yeah, so I'm just planning and I'll try to post every so one video every week. Let's see how that goes. Okay, so now let's get started. Let you know what this video will be about. थोड़ा टाइटल देके आइडिया लग गया होगा. तो बेसिकली आई सेंट अ क्विज टू ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स, लाइक दे वर अराउंड 22 ऑफ देम. द क्विज वॉज ओनली एनोनिमस एंड आई हैवन चेक द रिस्पॉन्सेज. 11 रिस्पॉन्सेज आने चाहिए थे तो मेरी ही बेइज्जती होगी अभी. सो आई गॉट 18 रिस्पॉन्सेज. दैट इज लाइक सो कूल. तो देर आर जस्ट 4 पीपल जिन्होंने नहीं भरा एंड आई थिंक द रेशियो इज वेरी वेरी गुड. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज डू यू एंड योर ऑप्शन वर हेट मी लव मी एंड द थर्ड ऑप्शन वॉज डोंट बी सो सेल्फ ऑब्सेस्ड वनीषा. तो जस्ट एफ आई आई, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स से दिस टू मी कि इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड मत हो और ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसलिए मैंने वो ऑप्शन डाला. ओके, सो 61% ऑफ पीपल हैव चोजन बी ऑप्शन लव मी. ओ माई गॉड, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एक बंदे ने भी नहीं किया कि हेट मी. इफ नॉट एन इंजीनियर MBA ग्रैड विच करियर ऑप्शन वुड हैव सूटेड मी दी मोस्ट. ओ 50% ऑफ द पीपल हैव चोजन एक्टर एंड आई थिंक दैट इज सो कूल. ओके, सो 11% ऑफ द पीपल हैव चोजन वीडियो जॉकी एंड आई थिंक दैट इज रियली कूल. जब से वो MTV पे शोज आते थे ना, तब से मुझे लगता था कि नहीं, आई कैन बी दैट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट नो, लेट्स सी. एंड 11% ऑफ द पीपल हैव चोजन फैशन डिजाइनर एज वेल. समवन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर. ऑल्सो आई गिव एन अदर ऑप्शन दैट वॉज अदर्स का, कि कुछ और लिखना हो तो. एंड देर आर अ फ्यू रिस्पॉन्सेज. इन्फ्लुएंसर पक्का. वाओ, ये जिसने भी लिखा है ना, आई लव यू सो मच. देन इट्स समवन हैज रिटन हाउस वाइफ. क्वेश्चन इज जैसे रेट, और इट्स लाइक रेट माई ट्रेड. सो आई जस्ट मैंशन 4 ऑफ माई ट्रेड्स और उनको रेट करना है. एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर. वो जो आई वॉज टेलिंग ना कि आई सेंट अ क्विज टू माई क्रशेज वाला जो ट्रेंड था उसमें भी होता है. एंड द ट्रेड्स दे मैंशन इज कि रेट माई पर्सनैलिटी एंड रेट माई यू नो अट्रैक्टिवनेस. तो पर्सनैलिटी मतलब आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू रेट माई पर्सनैलिटी. आई नो आई एम अ 10 on 10. ओके, सो द 4 ट्रेड्स आई हैव मेंशन इज इट्स अनोइंग, जजमेंटल, फ्रेंडली एंड काइंड. सो 2 ऑफ देम आर थोड़ा नेगेटिव साइड पे एंड 2 ऑफ देम आर पॉजिटिव. देर आर 6 पीपल जिन्होंने ओनली 1 का स्केल दिया, दैट मीन्स आई एम नॉट ओनली अनोइंग. एंड देर आर 2 पीपल जिन्होंने बोला कि आई एम वेरी मच अनोइंग, मतलब उन्होंने मुझे 5 का पॉइंट दिया है. आई ओनली वॉन्ट टू फाइंड आउट ये दो लोग कौन है. रेट माई ट्रेट एंड जजमेंटल. सो दिस इज वेरी मीन बिकॉज 9 पीपल हैव गिवन मी अ पॉइंट ऑफ 5. मतलब 18 में से 9 लोगों को लगता है कि मैं जजमेंटल हूँ, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. एंड एक तो किसी ने नहीं दिया है, मतलब सबको लगता ही है कि मैं जजमेंटल हूँ, बट वो स्केल वैरी करता है, विच इज अगेन वेरी मीन. ओके, द नेक्स्ट ट्रेड इज फ्रेंडली. तो उसमें 14 पीपल हैव सेड दैट आई एम वेरी फ्रेंडली, विच इज लाइक अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली. काइंड, ओके, सो 13 पीपल ने बोला है दैट आई एम रोली रोली काइंड, मतलब 5 का स्केल दिया, विच इज रोली नाइस. सो आई एम हैप्पी अगेन. द नेक्स्ट इज आई एम अ फूड इक्विवेलेंट ऑफ वॉट. इसके ऑप्शंस थे पनीर, फ्राइज, मोमोज एंड पिज्जा. सो दीज फोर थिंग्स आर
माई फेवरेट थिंग्स, आई मीन मैं अभी बोल रही हूँ और मुझे भूख लग रही है, मतलब मुझे इतनी पसंद है ये सब, तो इसलिए मैंने ऑप्शन में डाला था. नाओ 41% ऑफ द पीपल थिंक कि आई एम फूड इक्विवेलेंट ऑफ पनीर, विच इज लाइक अ बिग कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू बी अ पनीर. आई मीन यू गेट मी राइट. या अनदर पर्सन हैज रिटन आलू पराठा. आई नो हु दिस गाय इज, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड और ये मुझे आलू पराठा के नाम से चढ़ाता है, तो ठीक है. ही थिंक्स कि मेरी शक्ल थोड़ी आलू पराठा जैसी है. इज इट? आई डोंट नो बट लाइक आई डोंट माइंड. आलू पराठा इज ऑल्सो वेरी यम्मी. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम अ डॉग इक्विवेलेंट ऑफ वॉट? एंड इसके भी चार ऑप्शन हैं. अगेन समवन इज वॉकिंग. यार इतना प्रॉब्लम है ना यहाँ पे वीडियो बनाने का. 61% ऑफ द पीपल हैव वोटेड फॉर गोल्डन रिट्रीवर एंड आई थिंक दैट इज वेरी 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 ब्यूटिफुल. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Do you wish to stay in touch with me in the future? Guys, I am so happy. किसी एक बंदे ने भी नो नहीं किया. So next question, उसका follow question था. If you chose yes, do you think we actually will be able to stay connected? And same वो थे yes, no and maybe. तो भाई, I am so lucky. Oh my. So 55% people have chosen yes and the other 44 have chosen maybe. So the next question is, have I ever hurt you or been mean with you? 55% of the people have said no, so you know that means majority ko maine hurt nahi kiya, but 44% of people are like yes, I have hurt them ya fir thoda mean hui hu main. But next question was, anything else you want to say? Oh my, oh right. So fight for kindness because you are the only person I know who cares about cows and they're craving for cakes. Oh my god, ye itna bhai, this was a secret. Or oh my bhai, I know I'm gonna take the name. Ye Shubhrat ne likha hai and Shubhrat, you are so mean, you are so mean. Maine tujhe trust karke itni important cheez batayi thi and tune is pe likh di. I mean, that was the last part. For you guys, I love you guys so much too, because I'm posting up for so long, and so thank you so much for everything. And yes, I promise, I genuinely promise that I have the time now and I really want to do this. So every week I will be posting a new video. I don't know what the topic will be, but it'll be like really nice. And if you have any suggestion, please just let me know in the comment section, or you can also DM me on my Instagram. And yeah, thank you so much for everything. Bye. See you next week. Love you.